डियर स्टूडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बच्चों ये क्लास सिक्स का सोशल साइंस है चैप्टर टू है और इस चैप्टर का जितने भी शॉर्ट्स क्वेश्चन है वो सारे मैं दे चुका हूँ लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में मैं आप लोगों का इसमें जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ तो इस चैप्टर का नाम है द अर्लियस्ट सोसाइटीज तो पहले का जो है सामाजिक जीवन कैसा था उसके बारे में बताया हुआ है यहाँ पे तीन युग के बारे में बताया हुआ है पेलोलिथिक एज ओल्ड स्टोन एज न्यूलिथिक एज न्यू स्टोन एज और मेसोलिथिक एज मिडिल स्टोन एज तो यहाँ पे इसके बारे में भी लिखा हुआ है लेकिन इस चैप्टर में इसको डिटेल नहीं किया गया है तो आइए चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर में देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तो ये जो है इसका मुख्य क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है छह क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स वे यूज्ड बाय मैन इन द ओल्ड स्टोन एज ओल्ड स्टोन एज में उस समय के व्यक्ति किस प्रकार के टूल्स औजार उपयोग करते थे तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है ओल्ड स्टोन एज का मतलब है कि पेरुलिथिक एज तो यहाँ पे टूल्स के बारे में दिया हुआ है जैसे कि द टूल्स मेड ऑफ़ स्टोन ऑफ द ओल्ड स्टोन एज तो उस समय पत्थरों का टूल्स उपयोग करते थे और उस समय का टूल्स जो होता था वो तीन प्रकार का होता था कोर टूल्स फ्लैक टूल्स ब्लेड टूल्स इस तरह का टूल्स हुआ करता था और कुछ नीब्स चॉपर्स एक्स हैंड्स एक्स हैड्स इस तरह का ये टूल्स हुआ करता था तो आइए देखते हैं इसका आंसर जो मैंने क्रिएट करके रखा है तो उस जगह से ही क्वेश्चन नंबर वन का आंसर मैंने क्रिएट किया है तो आंसर यहाँ तो दिया हुआ है द टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ स्टोन्स यूज बाय अर्ली मैन इन ओल्ड स्टोन एज द टूल्स हैव द फॉर्म्स ऑफ नीब्स चॉपर्स एक्स हेड्स एंड डिगिंग इंस्ट्रूमेंट्स दिस वेयर मेड फ्रॉम क्वाचाइट ए हार्ड रॉक द टूल्स वेर थ्री काइंड कोर टूल्स दे वेयर पियर सेप्ट दैट इज दे हैड नो हैंडल्स फ्लेक टूल्स दे वेअर यूज एज चॉपर्स एंड कटिंग टूल्स ब्लेड टूल्स ब्लेड टूल्स वे आर इन्वॉल्व इन टू नीब्स स्पियर्स एंड एरोड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे क्या कह रहा है मैंसन एनी टू चेंजेस दैट टुक प्लेस इन मैनस लाइफ इन द मैसोलिथिक एज तो ओल्ड स्टोन एज के बाद मैथसोलेथिक एज आता है और इसमें दो ऐसे क्या बदलाव हुए उसका चर्चा करने के लिए यहाँ पर कह रहा है तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है तो यहाँ पे दिया हुआ है मेसोलिथिक एज और इस एज में दो बदलाव क्या आया था यहाँ पे कई सारे इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज़ हुए थे तो यहाँ पे दो बदलाव आया था उनके टूल्स जो था वो ज़्यादा शार्प हो गया था स्मॉल साइज हो गया था लेकिन ज़्यादा शार्प हो गया था और ज़्यादा रिफाइंड हो गया था स्मॉलर एंड मोन मोर रिफाइंड तो यहाँ पे और दूसरा बदलाव आया था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स उन लोगों ने इस युग में जानवरों को पालना शुरू कर दिया तो ये दो बदलाव आया था तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसा लिखा गया है क्वेश्चन नंबर टू यहाँ दिया हुआ है तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको मैंने ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश नहीं किया है देयर वेयर टू चेंजेस इन द मेसोलिथिक एज मेसोलिथिक में दो बदलाव इस प्रकार से हैं हिज टूल्स नाउ बी कैम स्मॉलर एंड मोर रिफाइंड बोन टूल्स वेयर नाव यूज इन लोग हड्डियों से बना हुआ टूल का उपयोग कर रहे थे देयर टूल्स इंक्लूडेड बोरर्स स्क्रेपर्स एंड एरोड तो इन लोग इस प्रकार का कुछ अलग अलग टूल्स उपयोग कर रहे थे दे स्टिल यूज सम टूल्स मैड ऑफ स्टोन अभी भी वे कुछ पत्थरों से बने हुए टूल्स का उपयोग करते थे मैन बिगेन टू ये दूसरा बदलाव है ए नंबर फिर बी नंबर मैन बिगेन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स और यहाँ पर लोग जानवरों को पालना शुरू कर देते हैं द डॉग वॉज एन इम्पोर्टेंट फीचर स्पेशली इनसे चेसिंग एंड हंटिंग एनिमल्स तो सबसे पहले उन लोगों ने डॉग को पाला था और वो क्या मदद करता था दूसरे जानवरों को जिसको शिकार किया जाता था उसको पीछा करता था और उसको मारने में मदद करता था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ वाज़ द इन्वेंशन ऑफ व्हील यूजफुल इन द न्यूलिथिक एज नवपाषाण युग में चक्के का आविष्कार किस प्रकार से उन लोगों की मदद करता है यूजफुल होता है तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है तो न्यूलिथिक एज में यहाँ पे दिया हुआ इन्वेंशन ऑफ द व्हील द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द एज वाज दैट ऑफ द व्हील इस युग में चक्के का आविष्कार बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेंशन था तो यहाँ पर से इसका आंसर बनाया जा सकता है यहीं से लिया गया है तो आइए देखते हैं जो आंसर मैंने क्रिएट किया है क्वेश्चन नंबर थ्री का इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है द इन्वेंशन ऑफ द व्हील वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द न्यूलिथिक एज दिस इन्वेंसन मेड लाइफ इज यर फॉर मैन नाव ही कुड मेक ए कार्ट विथ टू व्हील्स द कार्ट यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड मैन द व्हील वॉज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पोट्री एंड यूज इन स्पिनिंग तो चक्के के आविष्कार की वजह से लोगों की ज़िंदगी आसान हो गया और वे दो चक्कों की मदद से बैलगाड़ी या इस तरह से जानवर वाला गाड़ी बनाया करते थे और उससे ट्रांसपोर्टिंग का काम करते थे जैसे कि सामान को यहाँ से वहाँ ले जाना उससे आदमी भी यहाँ से वहाँ जाने में उन लोगों को मदद मिला और इससे फिर पोट्री का काम भी हुआ और स्पिनिंग जैसे धागा बनाने का भी काम हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट वाज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन ह्यूमन लाइफ तो एग्रीकल्चर का ह्यूमन लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में पूछा गया है तो इसका आंसर कहाँ पर दिया हुआ है आइए देखते हैं ये है न्यूलिथिक एज में एग्रीकल्चर यहाँ पर दिया हुआ है और नीचे में फूड हैबिट्स फूड संबंधित बातें दिया हुआ है तो इस जगह से इन दोनों जगह से इसका आंसर क्रिएट किया गया है तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर एग्रीकल्चर वाज एन इम्पोर्टेंट डिस्कवरी फॉर ह्यूमन लाइफ इंस्टेड ऑफ विंग इन सर्च ऑफ फूड मैन सेटल डाउन इन एरियाज विच वे आर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर द अर्लीस्ट क्रॉप्स मस्ट हैव बीन बार्ली एंड व्हीट मैन ऑल्सो कल्टिवेटेड राइस दिस ब्रॉट इज चेंज इन हिज फूड हैबिट्स तो यहाँ पे इसका आंसर ज़्यादा बड़ा नहीं है याद करना काफ़ी आसान है अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट न्यू ऑक्युपेशंस डेवलप्ड इन द न्यूलिथिक एज तो न्यूलिथिक एज में कौन कौन से नए ऑक्यूपेशन डेवलप हुआ तो सबसे पहले तो कृषि एग्रीकल्चर चल ही रहा था उसके अलावा कौन कौन से ऑक्यूपेशन डेवलप हुआ तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है इसका आंसर यहाँ से लिया जा सकता है यहाँ पे देयर वेर नाउ प्लेंटी ऑफ जॉब्स टू बी डन तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे काम किए जाने लगे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है वाइल्ड सम मैन मेड टूल्स और इम्प्लीमेंट कुछ लोग जो है टूल्स और इम्प्लीमेंट मतलब औजार बनाया करते थे और कुछ लोग पोट्री कुछ बास्केट एंड वीविंग इस तरह से काम किया करते थे तो इससे क्वेश्चन का आंसर बनाया गया है आइए देखते हैं आंसर किस तरह से क्रिएट किया गया है तो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर ज़्यादा बड़ा नहीं दिया गया है यहाँ पे छोटा आंसर है आप लोगों को याद करने में आसान हो जाएगा इन द दिलिथिक इज प्लेंटी ऑफ एक्पेशन डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू देअर नीड्स सम मैन मेड टूल्स और इम्प्लीमेंट्स वाइल सम मेड पोट्री बास्केट मेकिंग एंड वीविंग ऑफ क्लोथ्स डेवलप्ड एज डिफरेंट ऑक्यूपेशंस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स कंपेयर द टूल्स ऑफ द पेरोथिक एंड द न्यूलैथिक पीरियड्स तो पेरोथिक और न्यूलिथिक पीरियड के टूल्स में कंपेरिजन करने के लिए कहा रहा है कि उस समय का टूल्स कैसा था और इस समय का टूल्स कैसा हो गया तो आइए देखते हैं इसका आंसर कहाँ से लिया जा सकता है सबसे पहले पेरो एज का जो टूल्स होता था तो उस समय का टूल्स किस प्रकार का होता था इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को बता देना है इसके बाद न्यूलिथिक एज में भी टूल्स के बारे में दिया हुआ है वहाँ पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे न्यूलिथिक एज का जो टूल्स है उसके बारे में दिया हुआ पोलिश टूल्स तो इस समय का टूल्स जो होता था हाईली पोलिश वेयर हार्डर मतलब काफ़ी मजबूत काफ़ी कठोर और हाईली पोलिश मतलब पोलिश किया हुआ उसका धार जो है तेज रहता था तो इस तरह से यहाँ पर जो टूल्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज दिया गया है इसके बारे में भी कुछ बता देना है इस तरह से इसका आंसर क्रिएट हो सकता है तो आइए देखते हैं इसका आंसर किस तरह से बना हुआ है क्वेश्चन नंबर सिक्स ये लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है द फेलिथिक एज पीपुल यूज टूल्स मेड ऑफ सम टूल्स वेयर हैंड एक्सेस क्लेवर्स चॉपर्स एंड स्वेपर्स द टूल्स क्रूड रफ एंड अनपोलिश्ड इन दिस पीरियड तो इस समय का जो टूल्स था वो क्रूड मतलब ज़्यादा धारदार नहीं था रफ था खुरदरा था और पॉलिश नहीं था और न्यूलिथिक एज का इन द न्यूलिथिक एज द टूल्स वेयर स्टिल मेड ऑफ स्टोन मतलब इस समय का टूल्स जो था वो भी वो उस समय भी स्टोन से बना हुआ था बट नाउ दे वेयर हार्डर एंड हाईली पॉलिश लेकिन वो बहुत ही मजबूत और पॉलिश किया हुआ रहता था सम वेयर एक्सेस हैमर्स चाइजल्स एरोहेड इ तो इस तरह का कई सारे टूल्स इस समय उपयोग होता था जो इससे डिफरेंट था इस तरह से हम लोग डिफरेंट बतला सकते हैं दोनों समय के टूल्स में तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं